सैल्यूट सैल्यूट, क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे दो शोज बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली देखने चाहिए हॉटस्टार में ये लॉकडाउन में, जो आपको बिंज वॉच में मजा आ जाएगा। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स रोल द टाइटल। तो जो मेरा पहला सजेशन है वो है द स्पेशल ऑप्स, स्टारिंग द लेजेंड केके मेनन, विनय पाठक, टिकटॉक वाली सना खान एंड करण ठक्कर। फाइनली करण ठक्कर ने कोई ढंग का पिक्चर किया है। इसमें परमित सेठी, दिव्या दत्ता, शरद केलकर एंड सज्जद दलसूज भी है, जिसको आपने टाइगर जिंदा है में एंड में गोली खाते भी देख लिया होगा। स्पेशल ऑप के शो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि केके मेनन एग्जैक्टली जा रहे हैं वो 2002 के जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उसके मेन मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए। तो जर्नी वैसे शुरू होती है कि 2002 में जो अटैक हुआ था उसको वो लोग ढूंढने निकले हुए। ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर इस सीरीज में केके मेनन बेसिकली इंटरोगेट हो रहे हैं कि वो ऑपरेशन कैसे चला था, उसका एक्सपेंडिचर कैसा गया था, व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड, वेयर ऑल डिड द होल टीम गो। इस सीरीज में करण ठक्कर भी है, करण ठक्कर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बीइंग ऑनेस्ट, मुझे करण ठक्कर से भाई एक रुपए का उम्मीद नहीं था कि कोई अच्छा पिक्चर या सीरीज ये करेगा। लाइक मैं देखा उसके शोज, लाइक लव ने मना दी जोड़ी, अंधा लोड़ी, पता नहीं क्या क्या सीरीज करके वो आया है, इंस्टाग्राम मॉडल ही रह जाता, बट लिटरली ये सीरीज में भाई ने काम किया है। एक्चुअली स्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग है ना, मुझे लग रहा है एक पॉइंट पे अगर ये नहीं भी होता, कोई और भी करता तो भी चल जाती, बट यस इसने वो कैरेक्टर को जस्टिफाई कर लिया, विच वॉज ग्रेट। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैरेक्टर ने अच्छा काम किया है। सना खान ने भी इसमें काम किया, उसको ज्यादा काम नहीं है, टिकटॉक वीडियो की तरह ही है, आती जाती है, बट है उसका पार्ट, रोल प्ले किया है, जो पूरा सीरीज देखोगे समझ में आएगा उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। सीरीज के एंड में शायद सबको समझ में आएगा। भाई विजुअली दिस सीरीज इज अमेजिंग। बैकग्राउंड स्कोर की बात करूँ यार, लोकेशंस की बात करूँ, जब बिल्डअप हो रहा होता है ना एक सीक्वेंस, बैकग्राउंड स्कोर पॉइंट है यार, ऑन पॉइंट है। लाइक आपके भी एक मिनट के रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई क्या बिल्डअप लिया। सेकंडली लोकेशंस आर अमेजिंग, मल्टीपल सेट्स लगे थे मुंबई में, दिल्ली में, बाकू, जॉर्डन, एंड जॉर्डन ने मेजर पार्ट शूट हुआ है इस सीरीज का। ईच एंड एवरी एक्टर ने भाई अपना कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन मेथड से प्ले किया है, इट वाज अ विजुअल ट्रीट टू वॉच इट, एंड जो उन लोगों ने एंड किया है ना दैट इज ऑल्सो गुड। लाइक ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई एंड में फुसकी रह गई, वैसा नहीं है, एक दो जगह आपको जरूर लगेगा कि भाई ये थोड़ा बेटर हो सकता था, बट दे हैव डन देयर बेस्ट, एंड अगर एक पॉइंट पे अगर वो स्लो हो भी जाता है तो एक पॉइंट पे वो लोग उसको पिकअप कर लेते हैं, एंड कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत डल हो गए। लाइक वो डल मोमेंट आपको इस सीरीज में नहीं आएगा, यू वुड एक्चुअली वांट इट मोर टू गो। एंड मैं खुद उम्मीद कर रहा हूँ कि सीजन का पार्ट टू आए, एंड कैसे ये स्पेशल ऑप्स की टीम चलती है बियॉन्ड द स्टोरी ऑफ 2002 के पार्लियामेंट अटैक के, वो देखने में भी बहुत मजा आएगा अगर वो लोग ने वैसा बनाया। बट अभी इस लॉकडाउन में मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करता हूँ, गो एंड वॉच स्पेशल ऑप्स। मैं इसको रेट कर रहा हूँ भाई 8 out of 10। सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिजाइन, डायरेक्शन, केके मेनन भाई डूड सलूट, बाप एक्टिंग की है, तो डेफिनेटली जाइए एंड चेकआउट कीजिए। तो जो सेकंड सीरीज में आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो है 100, पुलिस वाला 100। यस राइट भाई, स्टारिंग लारा दत्ता, रिंकू राजगुरु, करण भाई, भाई एक और इंस्टाग्राम मॉडल यहां पर वापिस आ गया, एंड सुधांशु पांडे, द वन एंड ओनली बैंड ऑफ बॉयज का लौंडा। 100 की स्टोरी में क्या चल रहा है कि रिंकू को पता चला है कि भाई उसके पास जीने के लिए सिर्फ है 100 दिन, ठीक है, 100 डेज में के अंदर वो मरने वाली है। तो ऑब्वियसली अगर तुमको पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन बाकी जीने के, तुम क्या करोगे, अपनी जिंदगी जियोगे, भगचौरी करोगे जितना तुम कर सकते हो। वही चीज सेम रिंकू भी करने निकली अपने लाइफ में, उसने दारू नहीं पिया तो दबा के पिए जा रही है, उसने सेक्स नहीं किया तो चली गई सेक्स करने के लिए, तो भाई अपनी पूरी लाइफ को वो एंजॉय करने के लिए निकल रही है, उसके पास कोई टारगेट मोटिव नहीं है, अब बस जी रही है, अब कोई उसको मारने का भी धमकी दे रहा है तो उसकी फटी नहीं है। और ये चीज का एडवांटेज लेती है हमारी लारा दत्ता। लारा दत्ता इसको मिल जाती है एक मिशन करते वक्त, एंड ये लोग साथ में मिल जाते हैं एक ग्रुप, जैसे टीम, एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्डिंग बन जाती है दोनों लेडीज के बीच में, वो इस सीरीज में दिखाया है। पर बीच में होगा ऑब्वियसली धोखा, क्यों, क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व्ड है और लारा दत्ता है पुलिस वाली, एंड कैसे लारा दत्ता अपना पूरा गेम प्लान, उसको किसी को टारगेट करना है, किसी को पकड़वाना है, उसमें वो यूज करती है रिंकू को, बिकॉज रिंकू डजंट गिव अ फक अबाउट हर ओन लाइफ, उसको पता है भाई अपन तो मरने ही वाले हैं, तो 100 दिन में जो अपन थ्रिल पा सकते हैं करना है, यानी ये लड़की थ्रिल के लिए पागल है, कुछ भी करेगी थ्रिल में, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है, कूदने का धमकी देती है जब उसको लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब फटती नहीं है क्योंकि उसके अंदर डर चला गया कि सिर्फ 100 दिन बाकी है। लारा दत्ता कैसे इसके साथ रह के इसका अटैच हो जाती है, पर इसको यूज करती है बेसिकली, एंड कैसे लारा दत्ता टर्न आउट टू बी दैट वन करप्ट कॉप, एंड थोड़ी और चीजें इसके अंदर मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता,
है 100 की स्टोरी। मजा आता है कैसे करण भाई भी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। करण भाई अपने सपने पूरे करने आया इसके शो के अंदर, मतलब उसको पैसे सीरीज मिल गई तो उसका एक सपना पूरा हो ही गया, वरना कौन इसको हॉटस्टार पर देखे। पर साथ साथ कैसे वो इसके अंदर शो के अंदर भी एक स्ट्रगलर है, एक आर्टिस्ट है, वो कैसे पूरा कर रहा है, एंड हाउ रिंकू लारा एंड ये सब ट्विस्टेड है, ये देखने में एक्चुअली मजा आता है। आई वॉज नॉट थिंकिंग कि ये भाई टोटली कहते हैं ना टू फीमेल लेडी स्टार वाली सीरीज यूजली कितने अप्रिशिएटेड नहीं होते अपने यहाँ पर दिस प्रूव्ड इट कि भाई है, अच्छा एक्टिंग किया है पहली बार, मजा आया सबको देखने के लिए। कैसे ये पुलिस और ये नॉर्मल लड़की साथ में आते हैं, भगचौदी करते हैं एंड इनके साथ भी भगचौदी होती है, वो सब कुछ मिला के बना है 100। तो जरूर जाना हॉटस्टार पर चेकआउट करना, दोनों शोज के नीचे मैंने लिंक डाल दिए, एक बार जाकर देखना जरूर, मजा जरूर आएगा। तो अगर तो मेरे भाई आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया ना यार, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने बड़े भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहना। मैं और भी वीडियोस और भी रिव्यूज और भी ऐसी कुछ चीजें लेके आता रहूंगा जो हम सब साथ में देखेंगे, मजा आएगा। अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, कोई चीज के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए या आपको कुछ टिप्स चाहिए किसी भी कॉन्टेंट के रिस्पेक्टिव में, नीचे कमेंट में जाके यार जरूर मुझे बताना। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज हियर, इफ यू नीड एनी टिप विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग मेंस हेल्थ या ग्रूमिंग के रिगार्डिंग या कुछ भी है तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपके साथ चैट करूंगा, क्योंकि भाई मैं इंस्टाग्राम पे तो एक्टिव हूँ, मुझे मुझे यहाँ पे मैसेज करते हैं, आई एम ऑलवेज कनेक्टिंग विद यू गाइस। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तब तक के लिए जाइए वो शो देखिए, मैं भी चलता हूँ, मैं मिलूंगा बहुत जल्दी यार आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे डूड आर्मी बाय।